ना उस तरफ के रीच नाच रहा है। क्या बोल रहे हो? मैं तेरे से जब भी चाबी की पूछता हूँ तू नाड़ मोड़ के उस तरफ देखने लगती है, इसलिए कह रहा हूँ कि उस तरफ के रीच नाच रहा है। ना रीच तो ना आप बन गए, आपके भाई साहब डमरू बजाते रहते हैं और आप उनकी ताल पे ताता थैया करते रहते हो। कहना क्या चाह रही है? कहना ये चाह रही हूँ कि इतने सालों से कभी झूठ बोल के कभी गोलगप्पे पापड़ी में से पैसे बचा के ना मैंने इकट्ठे किए पैसे, और अब अपने भाई साहब पे ऐसे नौछावर कर रहे हो जैसे वो घोड़ी चढ़ रहे हो। मैं तो न्यू भी नहीं पता कि उनका हाथ कभी उठेगा कि नहीं उठेगा, कि सारी जिंदगी बॉडी के साथ लगा लगा घूमता रहेगा। चंचल रानी थोड़ा सा ज्यादा बोल गई तू, सबके सामने नहीं कह पाया, डॉक्टर ने अकेले में बुला के मृत्यु कही है कि भाई साहब की जान जाते जाते बची है। हाँ कुछ महीने उनका हाथ हिल नहीं सकेगा और चल फिर भी ना पाओगे, लेकिन इतने साल जो भागदौड़ करिए सारे काम उसी से बने हमारे। पर अब तो नहीं बन पाने के ना, सबको ना अपनी अपनी देखनी है, और यह चाबी तुम्हें ना देने की। ओह एक्सक्यूज मी, थैंक यू डैडी। डैडी है, चल मामी चल, सेलिब्रिटी की मम्मी हो आप। 175 फॉलोअर्स, अपने एक काम करो पानी पियो, ये लो पियो मम्मी, और गुस्सा शांत करो। ले ले चाचा, कितने का बिल है? 20,000 तो सिर्फ दवाइयों का बिल है बेटे, और घर में भी ना खींच कांच के 10-12 हजार ही पड़े होंगे बस। चाचा हम भी हेल्प करना चाहते हैं। चाहने को तो बेटा मैं भी कुल्लू मनाली में आइसक्रीम खा रही होती, जीजी ने भी छोरों को जन्म दिया होता, और पुत्तू भी बड़ा सरकारी अफसर होता, और ये भी प्रोफेसर होते। चंचल देवी आपका प्रवचन समाप्त हो गया हो तो चरणामृत के लिए हाथ बढ़ाएं। थोड़े ही दिनों में भाई साहब ने ठीक होके बॉक्सिंग शुरू कर देनी है, और फिर सारा काम संभाल लेंगे। और हाँ, जब तक भाई साहब बिस्तर पे हैं मैं खड़ा हूं, और किसी ने भी अपने माथे पर त्योरी चढ़ाने की जरूरत ना है। सुन मैं ना मैं सुपारी ले लेती हूँ, बहुत पैसे कमाएंगे। अरे रोहतक में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे का सिर फोड़वाने के लिए तैयार बैठे हैं। सुशीला बहन यू मजाक ना चल रहा है, मेरे पापा हॉस्पिटल में है, सीरियसली कोई आइडिया सोच, कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है अभी के अभी। गरिमा बहन। हाँ पापा, वहाँ अस्पताल में है, 10,000 का इंतजाम करना है, और तू यहाँ लड़के ताड़ रही है। लड़के? कौन से लड़के? मैं तो किसी गंदी नजर है तेरी, वो देख मैं वो बोर्ड देख रही थी, पैसे चल। जैसे ही गेस्ट मेरी तरफ कदम बढ़ाएगा ना मैं इसे हल्के से हाथ झटका दूंगी, और ठंडा ठंडा गुलाब जल गेस्ट के ऊपर गिरेगा, ले पकड़। और इससे पहले कि वो बच के निकले मैं इसे फूलों की बरसात कर दूंगी। पहले किसी राजा के दरबार में दासी बनकर सेवा कर रही थी क्या? इतना बढ़िया प्रदर्शन मैंने पहले कभी ना देखा, पर इस चोरी के लक्षण ठीक ना लग रहे मन ने। इसकी टेंशन मत लो आप, इधर ना, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, ऐसा मेकओवर करूंगी ना अब पहचान ही नहीं पाओगे। ठीक है छोरी जा कर ले, दे दे भाई। बस अभी रेडी हो के आते, चल। तुझे पता है मुझे कोई शौक नहीं कुड़िया बनने का, मैं ना पहन रही है सब। मेरी प्यारी बहन
डियर मिस सुशीला, क्यों करती हो कंगाली में आटा गीला? क्या बोल रही है? मैं यो बोल रही हूँ, पर डे पर पर्सन 5,000 रुपए मिलेंगे। और आज आज की तो बात है, मेहमानों का स्वागत ही तो करना है। देख, हमें 10,000 रुपए मिल जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम यू सॉल्व हो जाएगी। हाँ प्लीज सुशीला रानी, पापा की खातिर। देखा वेलकम द्वार पर ये गुलाब जल छिड़कते हुए ना, अगर छोड़ा छिड़क देगा तो गुलाब जल की खुशबू चली जाएगी के? आई आई। अगर पापा ने हमें देख लिया ना तो मोर बनाकर बिन बरसात नचवा देंगे। पापा जी कुछ ना देखने वाले आज, अब कुछ दिनों तक जो भी देखना है हम दोनों को ही देखना है। तू ना ये छोरा छोरी के बारे में ज्यादा ना सोच, अपना ध्यान 10,000 पे रख। 10,000 वेलकम। हे भगवान, ये कैसा वेलकम कर रहे हो? निशाना लगा के सीधे आंख पे मार रहे हो। सॉरी सॉरी जी, सॉरी जी। आप अंदर आइए, अंदर आइए। ये जो कर्तव्य किया है ना तुमने, इसकी वजह से 500 रुपये कटेंगे तुम्हारे। मैंने पहले ही कहा था इस छोरी पे भरोसा नहीं है मन ने। सॉरी, दोबारा नहीं होगा। और एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। ओ बहन, किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत ना है। सॉरी। कड़क है चोरी। सुशीला, अभी नहीं सुशीला। यो ब्लाउज और साड़ी देख के चौड़ा हो रहा है ना तू? दिखाओ तुझे असली जोहर। चल एक काम करते हैं, अकल लड़ाने की कंपटीशन करते हैं, देखते तू ज्यादा ताड़ सके कि मैं। छोरी इतना ना घूर, प्यार हो जाएगा मन ने। रे छोरियां कड़क, दिलों में धड़क। रे छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। रे छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। ओ हट जा ना ऊपर से, ने अब छोरियों का देव है आया। चल।
मेरी भी छोरियां हैं, आज रात उनको कहानी सुनाऊंगा तुम दोनों की। और ये रहे पूरे पैसे, एक एक पाई की हकदार हो तुम, ये लो। थैंक यू। अरे काम करो, जो करंबोट उठा के गाड़ी में डालो। क्यों? धर्मपाल को देके आते हैं भाई, दुकान जो बंद होगी उसकी। सीधा हाथ टूट गया, उल्टे हाथ से स्ट्राइकर मार लेगा क्या भाई साहब? पर जो भी हो, रानी तो फिर भी अपनी होगी। राज बेटे, जगह तो भाई साहब, राम राम। ले इधर, आप कह रहे हैं बोर्ड खेल रहे हो, वहां आपकी फेवरेट दुकान काटेलाल एंड सन्स का शटर तो खुल गया है। आ रही है आज मुझे पापा की दुकान पे, और मजे की बात तो यो है कि आज तो मुझे कोई डांट टपटने वाला भी नहीं है। चाचा ने कहा था गल्ले में जितने पैसे पड़े उसे निकाल के उल्टे पांव वापस आ जाना, वरना यो हाथी बजा रहे, यहाँ की हर खबर पापा के कानों तक पहुँच जाती है। ना सही कह रही है बड़ी दीदी, इसी में सबकी भलाई है। ओ बड़ी दीदी के छोटे भाई, इसमें तेरी क्या भलाई है? सुटाई तो मारी होगी ना दीदी, जे कुछ टूट फूट गया तो? टूट फूट तो तेरे साथ होगा जो तूने पैक ऑफ नहीं किया तो। मेरे बाप की दुकान है यो। ये सुशीला तो जल्दी बाहर आ तू। अरे तू बाहर क्या कर रही है गरिमा, अंदर आना। अंदर आके अपने बाप की दुकान की फील तो लेके देख, हमारे बचपन की खुशबू है यहाँ की हवा में। और ये चेयर के अलावा बाकी सब तो सेम टू सेम ही है ना, याद है कैसे हम घर घर छोड़ के सलून सलून खेला करते थे? और ये देख, हमारी बचपन की फोटो अभी भी लगी हुई है यहाँ। कैसे बाल काट रही है तू मेरे, कितनी क्यूट लग रही हो ना। मैं बचपन से हीरोइन मटेरियल हूं मैं। आइए अंदर आइए। दी, यो नॉर्मल उस तरह ना है, बाबूजी भी खास मौके पे निकाले इसे। लो मने दो दीदी। खास मौका मैं तेरा बना दूंगी, दिखाई नहीं दे रहा? बड़ी दीदी इमोशनल हो रही है। मगर वो बाबूजी। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, पापा जी याद कर रहे थे तुझे, अस्पताल बुलाया है। वो कह रहे थे वो कबूतर कहाँ है, अगर बहुत अगर मगर करता है। मन ने कबूतर बोलिया? तो लागे दीदी सही कह रही है। हाँ हाँ जा 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 जल्दी निकल। अरे जा वरना फटकार पड़ जाएगी तुझे। चल 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 चल। मारे परदादा जी ने पहली दाढ़ी इसी उस तरह से बनाई थी, राजा मंत्री संतरी सिपाही और आम आदमी सबकी दाढ़ी इसी उस तरह से बनती थी, और इसी की मेहरबानी से आज तक इस घर के वारे नारे हो रहे हैं। माई के पीछे क्या चल रहा है गरिमा जी? यही कि 100 साल से पुरानी चीज को पापा ने कितना संभाल के रखी। अरे अब तो पापा को ही संभाल के रखने का वक्त आ गया है।
वो पापा जी दुकान नहीं आएंगे, वो उनकी तबीयत थोड़ी। धर्मपाल की छोरी आओ चल मैं सोचूं ये शटर किस तरह खुल गया अपने आप, जादू मंत्र तो है। मैं भी ना झाड़ू पोछा करना आई हो ना, करो करो। क्या है कि जगह साफ सुथरी हो ना तो वहां लक्ष्मी का निवास भी रहता है। लक्ष्मी तो हम खुद ही है, और जरूरत पड़ने पर काली भी बन सकते हैं। मजाक भी अच्छा कर लेती हो दोनों है। अरे मैं तुम्हें कह रहा था कि जब तो धर्मपाल का पता चला है ना, सोच सोच के बड़ा दुख हो रहा है मैंने। बताओ बैठे बिठाए पहाड़ के नीचे आ गया धर्मपाल, कर्ज के बोझ चढ़े तो पहले ही चीखे निकल रही थी उसकी, गरीब तो किस्ते भी ना दे पा रहा था वो है। कर्जा? ओहो लगता डैडी जी ने बताया नहीं हम लोगों को। नहीं ठीक भी है, छोरियों को बता के होना भी किया था। हाँ अगर कोई सन होता तो कटलाल एंड सन्स के सन को डूबने से रोक भी सकता था, पर भाई ईब तो यो कर्जे का मगरमच्छ निकल गया समझो। ऐसे कैसे निकल जाएगा? जबड़ा पकड़ के चीर दूंगी, अतड़िया बाहर निकल आएंगी मगरमच्छ की। यो तो मगरमच्छ मतलब कि बैंक तय करेगा ना। अरे एक बात बताऊं, ये बैंक वाले बड़े कठोर होते हैं जी। मैं तो कहता हूं कि इन्हें बेच बाजे खत्म करो ना, सर का बोझ उतर जाएगा। धर्मपाल के अस्पताल का बिल है, तारे घर का राशन पानी है, सबका इंतजाम हो जाएगा, बेच दो ना। ना तो बैंक वालों को भी देख लेंगे। फिलहाल तो आप छोरी के हाथ में उस तरह देखो और अपनी जान बचा के निकलो यहां से। खानदानी बीमारी है नहीं, सारा का सारा घर ही अकड़ा पैदा हुआ है क्या? उड़ो धर्मपाल बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा था कि काटेलाल एंड सन्स की नींव जब तक आती बाजार में रखे ना मैं कोई कुछ नहीं उगाड़ सकता। बड़े तो ये काटेलाल सन्स ही सबसे पहले उखड़ता नजर आ रहा है यहां से। तो आपके जज्बात क्यों बढ़ रहे? दुकान हमारी, पापा हमारे और मर्जी भी हमारी, आप क्यों बिल्लू की लड़ाई में बंदर बन रहे हो? चोरी ठंडरक, छोरियों के हाथ में शोभा ना देता है, वो मर्दों की चीज है। अरे देख देख कटकटा गया ना किधर, सेफ्टी वेफ्टी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्या कर रही है? दे गरिमा, देखी जाएगी, आधी सजा मैं काट लूंगी। काट दे पक्का। देख काट, रे क्या बात कर रही हो? डर का तो नाम ही ना सुना है धर्मपाल की छोरियों ने, बस अपने खानदानी उस तरह को मैला ना करना चाहती मैं। अरे तो ठीक, आपको तो झाड़ू से ही साफ कर दूंगी। अरे तो कर ले, कर ले। तू शेर के दांत गिनने लग रहे हो भाई साहब, निकल लो भाई साहब, भेड़ के बीच में भेड़िए हैं ये, बहुत निकले दांत हैं इनके। चलो हमारे पापा की दुकान है, इसका शटर हमारी मर्जी से ही गिरेगा और हमारी मर्जी से ही उठेगा। थोड़ी पैंप तेरे तो पता, चलो भाई साहब। नहीं बोल भाई साहब, दो तीखा लगा रहे। अच्छा चाट बनाते भाई मेरी। अरे मेरे लिए पुदीने वाला।
दिन वाला चाहिए है? चपड़ा उस्तरा लेकर आओ। कौन सा उस्तरा? अरे वो उस्तरा जो छोरी ने थारे भाई साहब की गर्दन पर धर दिया था, रामपाल का वो खानदानी उस्तरा होना चाहिए ठाकुर। पर भाई साहब आप वो उस्तरे का क्या करोगे? दाढ़ी तो वैसे भी अपनी वो बिजली वाली मशीन पे बनाते हो। हाँ आवाज भी करती है, ग्रर। मैंने भी चलाई थी बता एक बार, गुदगुदी होती है एकदम। सच्ची गुदगुदा रही होती तेरे? एक तो ये धर्मपाल मेरे जी का जंजाल बन गया है और ऊपर तो तुम दोनों की बेवकूफियां कम नहीं हो रही है। मैंने वो हर चीज चाहिए जो धर्मपाल के पास है, दुकान तो दुकान, उस्तरा तो उस्तरा, हर चीज ले का ये ठाकुर, जो नाले का है ना, दोनों का शतरमूर बना दूंगा। चलो निकलो। एक बात तुम्हारी यो समझ में ना आती, जो चीज ये इस्तेमाल ना करते वो इन्हें क्यों चाहिए होती है? हाँ मन्ने भी सेम। अरे भाई धर्मपाल की छोरियां कहाँ फंसा देते हैं हमेशा। गरिमा सुशीला, धर्मपाल की क्या खबर? ठीक है अंकल। कोई काम होगा तभी आई होगी तुम, है ना? वरना धर्मपाल का बस चलता वो तो पुत्तू ने भेजता। मने पता है ना कितना खटका उसकी आंख में थरा बाजार में आना। ना पुत्तू अस्पताल में बिजी है ना अंकल। हाँ और बस बहु ही गया, हम निकल ही रहे। पर तुम ज्यादा देर यहाँ मत ठहरो, थारा बापू ने भी पसंद ना है। तुम कहो तो मैं छोड़ दूं तुम्हें। ना ना अंकल, हम चले जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, पर धर्मपाल ने कह दियो हनुमान चालीसा का जाप करता रहेगा। हाँ जाओ आजा, तने चाह पियूं। यस, टिकट्स तो हाथ में आ गई हैं, पर पापा से बात करने की हिम्मत अभी तक नहीं आई। क्या करूं? जो इंडिया में जमीन पे चलाना चाह रहा तुमसे, ना यहाँ में गिर जाती, हड्डी वड्डी टूट जाती, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती? अरे मेरी और किसकी, मैं जोड़ देता हड्डी वड्डी। जब देखो गुस्से में लाल पीली रहती हो। ओरिजिनल स्किन कलर क्या है तुम्हारा? धर्मपाल भाई क्या हाल? ठीक है जी। ठीक ही होना चाहिए भाई। रिपोर्ट कह रही है कि तनाव नहीं लेना है तने। अच्छा तनाव का ना एक सीक्रेट बताता हूँ, बदले का भूखा होता है ये तनाव, जो लेता है ना वो उसी ने निकल लेता है। समझा के नहीं हो? आराम से आराम से। रिपोर्ट की चिंता नहीं करनी तने, एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है पर डॉक्टरी विरासत में मिली है मेरे बेटे को। हाँ इसलिए मैंने इसके विलाय जाने पे तो रोक लगा दी। मैं क्या भाई, अपने मुल्क में रहो, अपना ये हॉस्पिटल संभालो। सही कहा ना मैंने? मिस्टर छोटा अड्डी, ये बाहर गिर गई थी आपकी लंदन की टिकट। तनाव नहीं लेना कभी जिंदगी में, याद रखना तनाव नहीं लेना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.